हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन शोरमा। उसके लिए बोनलेस चिकन ले लिया है। बंदा गोभी, प्याज ये सब काट कर लेंगे। काट करने के लिए एक चॉपर ले लेंगे। चॉपर ले लिया है। चिकन छोटा छोटा टुकड़ा करके काट लेंगे। ऐसे करके सारे काट लेंगे। छोटा छोटा पीसेस करके एक काट लिया है। एक मिक्सर जार ले लेंगे। इसमें डाल देती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको पीस लेंगे। अरे प्याज, अरे बंदा गोभी सारे काट कर लेंगे। इसको काट कर लिया है। इसको बहुत बारीक बारीक ऐसे 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 करके सारे बारीक बारीक कर लेंगे। सारे प्याज ऐसे ऐसे काट लेंगे। प्याज सारे कट गया है, कट कर लिया। इसको उठा लेती हूँ। खमीर बनाने के लिए हम इसमें पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना सा पानी चूल्हा जला देंगे। पानी बॉयल हो जाए। स्वाद अनुसार नमक दे देंगे एक चम्मच। पानी बॉयल हो गया है। हम इसमें आटा डाल देंगे। आटा डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा डाल के मैं खमीर कर लेती हूँ। इसको अच्छी से हिला के पानी आटा सब मिला के नरम मुलायम डो बनेगा। अब थोड़ा आटा दे देती हूँ। इसे मिला लेंगे। आटा बन गया है। थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद डो बना लेंगे। शोरमा बनाने के लिए हम चूल्हा जला दिया है। कढ़ाई बिठा दिया। तेल डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा तेल डाल देंगे। थोड़ा सा लहसुन बारीक बारीक काट रखे है, ये भी डाल देंगे। थोड़ा सा हरा मिर्च छोटा छोटा करके काट के रखे है, ये भी डाल देंगे। थोड़ा हिला लेंगे। अब इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन पीस लिया है। थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। थोड़ा सा काला मिर्च का पाउडर। इसको अच्छे से हिला लेंगे। इसे बड़ा ले। इसे हम तोड़ तोड़ के गर्म कर लेंगे। सारे हल्का ब्राउन कर लेंगे।
इसको एक चम्मच बिरयान देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरयान देने से उनका स्वाद बढ़ जाएगा। इसको अच्छी से हिला लेंगे। और फ्राई हो गया हल्का सा, हम चूल्हा बंद कर देती हूँ। इसको डाल लेंगे, एक प्लेट में डाल लेंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाल लिया है, इसको थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको पत्ता गोभी ये भी डाल देती हूँ। तो हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो कांचा भी खाया जाता है, कांचा हम नहीं देंगे, थोड़ा सा ही कर लेंगे। कांचा भी दिया जाता है सुरमा, थोड़ा हल्का सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। इसमें भी दिया है, इसमें भी थोड़ा दिया है। इसको थोड़ा थोड़ा करके दिया जाएगा, ज़्यादा ना होना चाहिए। बस हमारे हो गया है, चूल्हा बंद कर देती हूँ। तो बंद कर दिया। इसके लिए एक बोल ले लेती हूँ। बोल में चिकन डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे डाल लेंगे। डाल के हाथ से ऐसे तोड़ा जाएगा, ऐसे हो जाएगा पूरा। इसको तोड़ के पूरा बारीक बारीक कर लिया है, ऐसे ही होगा। इसमें माखन डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माखन थोड़ा ज़्यादा देने से बहुत टेस्टिंग होगा। इसको बंधा गोभी भी डाल देती हूँ। इसके बाद प्याज भी डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला मिर्च का पाउडर एक चम्मच डाल देती हूँ। एक साथ मिला लेती हूँ। इसको म्यूनी भी डाल देती हूँ। म्यूनी इसमें डाल देती हूँ एक कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाल दिया, एक प्याली लिया है, चाहिए तो और भी डालूंगी। म्यूनी ये मक्खन जितना देगा इतना ही टेस्टिंग होगा, ये भी डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब एक साथ मिला लेती हूँ। बटर, म्यूनी, चिकन, पत्ता गोभी, प्याज, गाजर भी डाल सकते हो। गाजर तो है, हम भूल गए डालने में, कटाकुटी करने में भूल ही गए थे। ये डालने से भी चलेगा, इसे भी चलेगा। ये अच्छे से मिला लेंगे।
सब अच्छी से मिला लिया है। अब आटा का तैयारी करेंगे। आटा का तैयारी के लिए हम एक बोल ले लेंगे, एक बर्तन ले लेंगे, इसमें आटा डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी से डो बना लेंगे, छान छान के इसको, इसको गर्म बहुत है, थोड़ा थोड़ा पानी दे के सारे बड़ा बड़ा डो बना लेंगे। आटा घुन लिया है, पूरा सुंदर से घुन लिया है, पूरा मुलायम बना लिया। इसको लोची काट लेंगे ऐसे ऐसे करके। एक एक लोची काट के रख देंगे हम, सारे कर लेंगे। हम सब काट लेती हूँ। रोटी का डो सारे बना लिया है, हम शोरमा का तैयारी कर रहे हैं। रोटी बना लेती हूँ ऐसे ऐसे करके, आटा दे के ऐसे पूरा गोल करके बना लेंगे। थोड़ा आटा ले लेती हूँ। आटा सुंदर नरम मुलायम भुना हुआ है, मुंह में देने से मिल जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। तवा बिठा दिया हूँ, इसमें दे देती हूँ। पलट देती हूँ। देखिए कितना सुंदर फुला फुला। बस ये बन गया है, उठा लेती हूँ। इसको भी फिलिंग कर देती हूँ। इसका अंदर सुरमा का ये पोर ले लेती हूँ ऐसे करके, पूरा बना लेंगे। और एक बना लेती हूँ। खाने में बहुत टेस्टी होगा, रेस्टोरेंट से कम नहीं होगा, बहुत मजा आएगा। आप लोग एक बार बनाइए। रमजान में तो बहुत अच्छा लगेगा खाने में, इफ्तारी में, सहरी में। दे देती हूँ तवा में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पलट देती हूँ। नीचे कितना फुला फुला नरम नरम बन रहा है।
मुंह में देने से ना मिल जाएगा, खाने में बहुत अच्छा लगेगा। इसमें सारे बना लूंगी, ऐसे करके सारे बना लूंगी। इसमें भी डाल देती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे बना लेती हूँ। लीजिए, हमारे सारे शोरमा बन गया है, हम प्लेट कर देती हूँ। दो ले लेती हूँ, ये काट के दिखाती हूँ। ये दो रेस्टर में 240 रुपया लेता है। अगर घर के घर में बना के खाओगे तो आसान भी होगा, टेस्टिंग भी होगा, ज़्यादा भी खा पाओगे। एक काट के दिखाती हूँ, वह ऐसे करके देते हैं। ये है म्यूनी, यह सेजवान चटनी। इफ्तारी में भी खाया जाएगा, सहरी में भी बहुत अच्छा लगेगा। मेरे तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। अल्लाह ताला सबको रोज़ा रखने का तौफीक अता फरमा, नमाज पढ़ने का तौफीक अता फरमा, सबको बड़ी से बड़ी बीमारी से शिफा अता फरमा। मेरे शोरमा आपको कैसे लगा कमेंट करके बताना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।